गुवाहाटी स्टेशन, और ये 4-5 दिन का जो ब्रेक है जहाँ पे बोला गया था कि क्लास सस्पेंडेड होगा, तो इसी बीच में जा रहे हैं घर। अभी जस्ट 4 दिन पहले ही आए थे और फिर से क्लास सस्पेंडेड है, तो फिर से जा रहे हैं वापस घर। तो क्लासेस रिज्यूम होगा फिर आते हैं। कैलकटा में नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो गया है। लास्ट वीक जो कंडीशन था उससे करीबन मुझे लग रहा है 4-5 डिग्री तो कम हुआ ही है, क्योंकि रांची की तरह यहाँ भी बारिश हो रहा है। आज भी काफ़ी क्लाउडी किया हुआ है। सो अभी ये दोपहर 2 बजे का कंडीशन है, ऑलमोस्ट पूरा आसमान क्लाउडी किया हुआ है, शायद बारिश वगैरह भी आए। तो कैलकटा आने के पहले यही एक टेंशन था मुझे कि पता नहीं इतना गर्मी कैसे झेल पाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो एसी भी फेल हो गया था, एसी भी काम नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी था। और कैलकटा का गर्मी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि कैलकटा का जो गर्मी है वो इतना चिपचिपा होता है ना, और इतना इरीटेटिंग होता है। भले ही अदर स्टेट्स में टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पर इतना ह्यूमिडिटी नहीं रहता है, तो वहाँ पे राहत का बात ये रहता है कि पसीना नहीं होता है। रांची में भी मैंने स्पेशली नोटिस किया है कि पसीना नहीं होता है, तो बहुत हद तक राहत रहता है मुझे। हॉस्टल में एसी नहीं रहने पे भी मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि वो चिपचिपा वाला गर्मी नहीं रहता है, प्लस मेरा जो रूम है मेरे रूम पर धूप नहीं लगता है, तो ये भी एक बेनिफिट है मेरे रूम का। सो ऑल ओवर जो है अभी का जो वेदर है ये बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर हो गया है कोलकाता का। सो आगे देखा जाए, होपफुली ऐसा रहे कुछ दिनों तक जब तक मैं हूँ यहाँ पे। एटलीस्ट आज तो सौरभ के घर पे भी जाने का बात है, सौरभ के घर पे पूजा है, तो देखते हैं, निकलेंगे कुछ देर में उसके घर पे, पूजा उजा अटेंड करेंगे थोड़ा सा, और भाई से मिलते हैं, देखते हैं हालचाल क्या है उसका। जबरदस्त बारिश ख़त्म होता है, उसके बाद चलते हैं सौरभ के घर पे। सो गाइस, फाइनली बारिश रुकने के बाद में पहुँचे हैं सौरभ के घर पे, और ये है पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सौरभ सुबह का गेमिंग सिस्टम है, और आप लोगों को आज मिलवाएंगे सुबह से भी। और सौरभ का क्या हालचाल है पूछा जाए। सो सुबह और सौरभ दोनों जन सुबह को आप पहली बार देख रहे हैं व्लॉग में, तो सुबह गेम खेलने में बिजी है अभी। सुबह से हाय। सुबह के बारे में बताया था आप लोगों को, सुबह का राइडिंग जैकेट डाल के मैं गया था, एकदम मेरे में परफेक्ट फिट हुआ था। सो सौरभ भाई बहुत ज़्यादा बिजी हैं एडिटिंग करने में। सौरभ भाई क्या एडिट कर रहे हो, कौन सा वीडियो आ रहा है आपका, बताइए। बिगिनर है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो मौसमी से व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पा रहा है। उसके बाद थोड़ा फैमिली ट्रिप था छोटा मोटा गैंगटॉक और दार्जिलिंग का, तो वही देख रहे हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये अपलोड करेंगे, नहीं तो कुछ सरप्राइज आ रहा है आप लोगों के लिए वो तो डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत प्यार दिखाते रहिए, दुरंतर राइटर मे बी डिस्क्रिप्शन में लिख रहेगा। सो भाइयों, जब ऑलरेडी दो भाई साथ में बैठे हैं तो कुछ तो सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए,
और अभी हम लोग प्लानिंग भी वही कर रहे थे नेक्स्ट ट्रिप का। तो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का कैसा रह रहा है वो बताते हैं आपको सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद में। और शायद से इस ट्रिप में अपने साथ जाएगा सुबह भी, देखते हैं कैसे क्या हो पाता है बस। हाँ, कितना क्या पॉसिबिलिटी हो पाता है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो सुबह को भी लेके जाएंगे इस ट्रिप पे हम लोग। तो कहाँ का क्या फाइनलाइज होता है सब बताते हैं डिटेल में आप लोगों को बाद में। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके रखना है, और ये जो वीडियो आ रहा है इसको लाइक तो ज़रूर करना है। और हाँ, इसको कोई ब्लॉग में नहीं बताएंगे हम, बिल्कुल ट्रिप पे निकलते वक्त आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। ओके।